नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मेरा नाम ऋतु शर्मा, स्वागत है आपकी एक और वीडियो में। आज हम आपको दिखाएंगे अयोध्या में जितने भी मंदिर हैं यहाँ पर। जो मंदिर आपने नहीं देखी होंगी आज तक किसी भी वीडियो में, आपको ये मंदिर देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं, आपको अयोध्या का टूर कराते हैं और पुराने से पुराने मंदिर चलिए आपको दिखाते हैं जो कि आपने नहीं देखेंगे। बहुत सदियों पुरानी मंदिर अभी भी अयोध्या में बची हुई हैं, तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं अयोध्या की गलियों में। देखिए, हमारे सामने एक पीला सा बहुत बड़ा मंदिर है। ये अभी रेनोवेट हो रहा है, अभी पूरा बन रहा है और इसके अंदर से काफ़ी ख़राब हो गया था मंदिर का। जाहिर सी बात, बहुत पुराना तो ख़राब तो होगा। ये देखिए, अभी चलेंगे हम लोग आगे और दिखाएंगे। आपको अयोध्या की गलियों का टूर कराते हैं, बने रहिएगा वीडियो में। अगर आपने अभी तक, ये देखिए, ये गुरुद्वारा है अयोध्या का और ऐसे और भी बहुत बड़ी बड़ी मंदिरें दिखेंगी। अगर आपको गुरुद्वारे का फुल टूर करना हो तो बताइएगा और बाकी चलिए चलते हैं आगे। और अयोध्या में जो है बंदरों से सावधान रहिएगा, यहाँ पे बंदर जो है आपको बहुत मिल जाएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कैसे लड़ाई कर रहे हैं बंदर यहाँ पे, और आपका सम्मान वमान भी छीन के भाग सकते हैं। अयोध्या में आपको बंदरों से काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। और चलिए अभी चलते हैं साइड पर। इस साइड बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं, जैसे कि आप हमारे साइड ये देख सकते हैं, एक मंदिर है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ऐसे पुरानी पुरानी बिल्डिंग हैं काफ़ी। और हमारे आगे ये है पलटूदास अखाड़ा जो है अयोध्या का, इससे भी हमारी कई यादें जुड़ी हुई है, तो आगे आपको वीडियो में सभी बताते हैं। बाकी अभी चलते रहते हैं, ऐसे देखते रहिएगा। और सामने आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर यहाँ का अयोध्या का नज़ारा है। पता नहीं वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि नहीं, बट तस्वीर में तो बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ। ये देखिए, मंदिर जो है रिन्यू हो रही है, ये देख सकते हैं आप। काफ़ी यहाँ पे आजकल मंदिर सब यहीं पर हैं, ये आप देख सकते हैं। इस एरिया में आप कभी आए नहीं होंगे, अयोध्या के एरिया मतलब बहुत अच्छे एरिया में आता है अयोध्या। यहाँ कुछ मंदिर, आश्रम और काफ़ी विचित्र विचित्र तरीके से चीज़ें मिलेंगी आपको। पहले जो है बाबा लोग यहीं पर रहा करते थे और यहाँ पे फ्री में लोगों को रहने को मिलता जो लोग रुकना चाहते थे। ये ऐसी जगह है अयोध्या की। अभी तो फिलहाल लोगों ने सब खरीद लिया, सब बिक गए हैं। और बाकी देख सकते हैं आप कितना अच्छा है यहाँ का व्यू, सब देख सकते हैं। ये पार्क छोटा सा यहाँ पे पार्क है, क्या तालाब है, चल के आप किस दिन ये भी दिखाएंगे। और ये देख सकते हैं मार्केट है अयोध्या की छोटी सी। और ये देखिए, ये भी एक आश्रम टाइप का है। यहाँ पे पहले कड़ा में गुरुकुल वुरुकुल चलता था और सब छोटी छोटी मंदिरें हैं यहाँ पे। फिर ये बैंक है, ये अयोध्या के अंदर का एरिया है। और ये देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा सा भवन है, अशर्फी भवन जिसे कहते हैं। इसके अंदर भी जगह दिखाएंगे। और हम लोग अशर्फी भवन से आगे चल रहे हैं। इधर एक जैन मंदिर भी है और एक दो मस्जिदें भी हैं अयोध्या में, पर ज़्यादातर मंदिर ही हैं। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी चलिए चलते हैं, आपको राजघाट के कुछ नज़ारे दिखाते हैं यहाँ से। राजघाट यहाँ से बस 150 मीटर की दूरी पर है। ये देखिए अयोध्या का आउटर का एरिया। देखिए यहाँ पे भी तीन चार मंदिर हैं सब। मैंने आपसे पहले ही बताया था वीडियो में, मंदिरों से सावधान रहिएगा। और ये हम लोग राजघाट के पास आ चुके हैं। देखिए, ये राजघाट पार्क है सामने।
बाल का टूर भी आपको करा चुके हैं, वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल में अंदर। देखिए राजघाट पार्क है, उसके बाद राजघाट आएगा। चलिए राजघाट पे चलते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं राजघाट के पास। अब राजघाट से हम लोग राम की पैड़ी नए घाट तक चलेंगे। ये भी काफ़ी डेवलप हो रहा एरिया, इस बीच में भी काफ़ी मंदिर हैं यहाँ पे। चलिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको ऐसे छोटी छोटी और बड़ी बड़ी काफ़ी मंदिर यहाँ मिल जाएंगी, तो वीडियो बने रहिएगा। चलिए दिखाते हैं आपको और आगे। ये लोग यहाँ पतंग उड़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे काफ़ी बस्ती भी बसी हुई है। और ये थोड़ा गांव टाइप का एरिया है, यहाँ पे निषाद लोग ज़्यादा रहते हैं क्योंकि नदी का किनारा पड़ता है। सब आपस में यहाँ पे बोट वोट, मतलब यहाँ पे नाव वाले ज़्यादा रहते हैं जो नाव फिर आते, क्योंकि जब बरसात का मौसम आता है तो इसमें पानी पूरा भर जाता है। इसकी वजह से यहाँ मतलब ये पूरा देख रहे सामने लेक है। अभी तो लोग यहाँ पे तरबूज और खरबूजा ये सब लगा रहे हैं क्योंकि बालू है, बालू में ये सब लगता है, आपको मालूम होगा। और अभी हम लोग झुनकी घाट पे पहुँचने वाले हैं। ये रोड जो है गुप्ताल घाट से लेकर सीधे नए घाट राम की पैड़ी तक आई हुई है और अभी ये बन ही रही है। किसी दिन आपको इसका भी रिव्यू देंगे वीडियो में आगे। और ये देखिए अभी हम लोग पहुँच चुके हैं झुनकी घाट। झुनकी घाट के पास से दो तीन जो है बहुत महल टाइप के मंदिर हैं, आश्रम हैं, भवन हैं। देख सकते हैं ये देखिए एरिया है पूरा आगे। इस वीडियो का भी हमने, इस मंदिर का भी हमने वीडियो में अपने रिव्यू किया हुआ है। और ऐसे जो है बहुत से मंदिर अयोध्या में स्थित हैं जो कि अभी आपने नहीं देखे होंगे। आपने मंदिर की गलियां तो अभी देखी ही नहीं है कि क्या क्या यहाँ पे बने हैं, क्या क्या नहीं बने हैं। काफ़ी बड़ा ये एरिया में फैला हुआ है पूरा घाट, और काफ़ी बड़ा है। जैसे कि हमारे वाराणसी में घाट बन रहा है, वैसे सेम जो है अयोध्या में बनेगा आने वाले टाइम में, बन रहा भी है। राम की पैड़ी आपने नाम बहुत सुना होगा जहाँ पे दीप उत्सव होता है, और ऐसे ही बन रहा है अपना अयोध्या। और यहाँ पे कई धर्मशाला भी है, देखिए यहाँ पे लिखा है। यहाँ सब भी आप आके रुक सकते हैं काफ़ी कम दामों में, तो यहाँ पैसे नहीं लेते इंसान से, जो श्रद्धा होती है वो देखे जाता है। यहाँ पर रेट फिक्स नहीं है यहाँ पे किसी भी चीज़ों का। बस हम लोग जो है राम की पैड़ी इधर से पहुँचने वाले हैं, किसी देर में पहुँच जाएंगे। और ये देखिए बंदा यहाँ पे जो है दर्शन टाइप का करने के लिए आया हुआ है। तो ये देखिए ये भी कुछ भवन टाइप का है यहाँ पर, इतना बड़ा। फिलहाल हम आपको बता दें कि हम नए घाट यहाँ पे पहुँच चुके हैं। चलिए आपको चल के दिखाते हैं लता मंगेशकर चौराहा यहाँ से। ये देखिए काफ़ी सुंदर पेंटिंग बनी है यहाँ पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम लोग जो है राम की पैड़ी पर पहुँच चुके हैं, और ये राम की पैड़ी जो है लता मंगेशकर चौराहे से बगल में स्थित है। ये पहले नए घाट के नाम से जाना जाता था। और देख सकते हैं आप यहाँ पे काफ़ी लोग अभी आए हुए हैं। ये तो अभी पीछे से एंट्रेंस हम लोगों ने लिया है, और अभी चलिए आपको आगे दिखाते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। और आगे चल के लता मंगेशकर चौराहे पे हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ये आप यहीं से देख सकते हैं यहाँ पे आज के दिन कितनी भीड़ लगी हुई है।
और सरयू जी की आरती भी यहीं से होती है। चलिए आगे है सरयू घाट और यह नया घाट। देख सकते हैं सरयू जी के घाट पर भी यहाँ पे कितनी भीड़ हो चुकी है। और ये वही जगह है जहाँ पे दीप उत्सव मनाया जाता है। और देख सकते हैं आज तो यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है। हम लोग जो है सरयू घाट पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए ये वही स्थान है जहाँ पे लोग खड़े हैं, यहीं पे जो है सरयू जी की आरती यहीं पे होती है। यहाँ सीढ़ियों पे लोग बैठ जाते हैं तो आरती जो है इसी जगह पे होती है। देख सकते हैं चारों ओर यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ हो चुकी है। अभी कुछ ऐसा यहाँ का हाल है, कुछ यहाँ के परिसर में यहाँ बहुत जो है भारी मात्रा में स्नान चलता रहता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहीं पे अपना स्नान करते हैं। देख ही सकते हैं आप। घाट काफी बड़ा बढ़िया पानी का मिल, पानी अभी इसी जगह पर है इसलिए लोग यहीं पे आके नहाते हैं। और यहाँ पे आज भीड़ बहुत ज्यादा है। सामने देखिए पुल है जो सरयू पार करने के लिए बनाया गया था। काफी पुराना पुल है ये 50 साल पुराना पुल है पर अभी भी एकदम सही सलामत है। चलिए चलेंगे अब यहाँ से वापस अपनी बाइक की तरफ और वापस चलेंगे घर की साइड। चलिए आपको राम की पैड़ी का एक बार रिव्यू देते हैं उसके बाद वीडियो करेंगे। हम चलेंगे बाइक पर अपने वापस और वहाँ से बाइक लेंगे और चलेंगे घर, क्योंकि बाइक हमारे यहाँ पॉसिबल था नहीं क्योंकि रास्ता बंद कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा। अब पता नहीं रास्ता क्यों बंद कर दिया गया है, इसका तो कोई जवाब नहीं है यहाँ पर। बट यही बोला जा रहा है कि हमको जाना अलाउड नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि चैनल पर समय ना लाइक आ रहे हैं ना फॉलोअर्स आ रहे हैं। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन मिल रहा है। मतलब कोई उत्साह नहीं रह गया फिर मेरे अंदर वीडियो बनाने का, क्योंकि ना आप लोग कमेंट कर रहे हो ना वीडियो को शेयर कर रहे हो, चैनल में व्यूज़ नहीं आ रहा, आप लोग आधी वीडियो देख के छोड़ दे रहे हो। प्लीज़ ऐसा मत किया करो। अगर आप लोग को वीडियो नहीं देखनी है तो इस वीडियो पर क्लिक मत किया करो, अगर देखनी हो तभी क्लिक किया करो। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से और प्लीज़ इसको शेयर किया करो दूसरों के साथ। और कंटेंट में अगर कोई कमी हो तो बताना मुझे। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।